इस वीडियो में मैं आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट फ्री में कैसे बनाए वो सिखाऊंगी। इसके लिए आपको कोई भी स्पेसिफिक कोडिंग लैंग्वेज आनी ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा पॉसिबल है। वर्डप्रेस की हेल्प से हम बिना कोडिंग की वेबसाइट बना सकते हैं। और अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ये वीडियो परफेक्ट है, क्योंकि आपको अपने प्रोग्रामिंग की शुरुआत वर्डप्रेस से ही करनी चाहिए। क्योंकि आप कोई भी कैटेगरी की वेबसाइट बना सकते हो, वो फिर चाहे वो आपके बिजनेस के लिए हो या तो फिर ब्लॉग के लिए। आप अपने लिए कस्टमाइज थीम चूज कर सकते हो बिना किसी चार्जेस, और कभी भी उस थीम को चेंज भी कर सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखें और फ्री में वेबसाइट बनाना सीखें। हाय गाइस, दिस इज आरजी पटेल और आप देख रहे हैं टेक्टिकाना। किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करने से पहले हमें दो इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो जरूरी होती है। वो दो चीज में से एक है डोमेन नेम एंड सेकंड है होस्टिंग। अब डोमेन नेम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गूगल में यूट्यूब पर जाना है तो आप youtube.com टाइप करते हैं। इंस्टाग्राम पर जाने के लिए instagram.com पर जाना पड़ता है, उसे हम डोमेन नेम कहते हैं। आपको मेरी वेबसाइट पर आना है तो आपको tektikana.com टाइप करना पड़ेगा। इससे ही आपको अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन नेम चाहिए होगा, जैसे लोग आपकी वेबसाइट को सर्च कर पाएंगे। अब बात करते हैं होस्टिंग की। इन अ सिंपल वे, आपको अपनी वेबसाइट को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, जिससे इंटरनेट उसे कभी भी एक्सेस कर पाए। कोई ऐसा सिस्टम होगा या तो सर्वर होगा जहां से आपकी वेबसाइट कभी भी होस्ट हो सकती है। तो ये हो गया ओवरव्यू। अब हम वर्डप्रेस में वेबसाइट कैसे बना सकते हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम गूगल में जाके सर्च करेंगे वर्डप्रेस। वहां पे आपको wordpress.org वाला जो यहाँ पे वेबसाइट दिख रहा है उस पे जाके क्लिक करेंगे और वहां से डाउनलोड वर्डप्रेस पर क्लिक करके जो वर्डप्रेस की कोडिंग है वो वहां यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे। जो फोल्डर है, अब मैंने वर्डप्रेस का फोल्डर यहाँ पे डाउनलोड कर दिया है। अब इस फोल्डर को हम अपने लोकल होस्ट में पेस्ट करेंगे। तो पहले तो मैं अगर आपके पास वेम्प सर्वर है तो आप वेम्प 64 उसमें www फोल्डर है वहां पे जाके एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। और आपके पास वेम्प सर्वर नहीं है और जेम्प सर्वर यूज करते हैं तो आप जेम्प में जाके htdocs में जाके वहां पे आपको फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो वेम्प कहाँ से इंस्टॉल करना है और जेम्प कहाँ से इंस्टॉल करना है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो वहां से आप इंस्टॉल करके लोकल होस्ट का सर्वर आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे वेम्प में www फोल्डर है, वहां पे मैं एक न्यू फोल्डर बनाती हूँ। मैं अपनी वेबसाइट का नाम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देती हूँ वर्डप्रेस। अभी मैंने वर्डप्रेस लिखा है और यहाँ पे वो फोल्डर मैंने जो डाउनलोड किया था वर्डप्रेस वाला, वो जिप फाइल में यहाँ पे पेस्ट करूंगी। अब उस जिप फाइल को मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करूंगी। अब वो जिप फाइल मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगी और जो वर्डप्रेस फाइल थी वो यहाँ पे कट करके मेरे मेन फोल्डर में पेस्ट कर दूंगी और जो वर्डप्रेस फोल्डर था वो डिलीट कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस का जो फाइल डाउनलोड किया था वो यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया है। अब हम करेंगे हमारे लोकल होस्ट में वर्डप्रेस को ओपन करेंगे, वर्डप्रेस की वेबसाइट को। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लोकल होस्ट। मैंने www वाले फोल्डर में अपना वेबसाइट का फोल्डर बनाया, उसका नाम मैंने रखा था वर्डप्रेस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी वर्डप्रेस और यहाँ पे एंटर करूंगी। यहाँ पे इस तरह से एरर दिखा रहा है क्योंकि मैंने अभी वेम सर्वर स्टार्ट ही नहीं किया। तो लोकल होस्ट में आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो तो जेम्प में या तो फिर वेम्प में वो सर्वर को आप स्टार्ट करना रहता है।
तो मैं यहाँ पे वेब सर्वर यूज कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे ओपन कर देती हूँ और यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे दिख रहे हो, हाँ वेब सर्वर ये अभी ग्रीन आ गया है, इसका मतलब कि हमारा लोकल सर्वर अभी स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक अब वेबसाइट स्टार्ट हो जाएगी। तो हम वर्डप्रेस, जब वर्डप्रेस की फाइल एक्सट्रैक्ट करते हो तो और उसको लोकल होस्ट में रन करते हो, तो सबसे पहले हमें इस तरह से वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का सेटअप हमें दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको सेटअप यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज पे आप करना चाहते हो वो लैंग्वेज यहाँ से चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे इंग्लिश चूज कर रही हूँ और उसके बाद कंटिन्यू करती हूँ। और फिर यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि बिफोर गेटिंग स्टार्टेड आपको यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करना होगा। तो आप डेटाबेस कहाँ पे क्रिएट करेंगे? वो हम लोकल होस्ट में, लोकल होस्ट प्लस PHP माई एडमिन लिख के यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा PHP माई एडमिन खुल जाएगा, वहां से हम अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो हमारा लोकल होस्ट में डिफॉल्ट यूजर नेम रूट होता है और पासवर्ड ब्लैंक होता है। तो ये हमने यूजर नेम रूट और पासवर्ड ब्लैंक रख के यहाँ पे गो कर दूंगी। अभी मैं यहाँ पे एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर देती हूँ और डेटाबेस का नेम मैं रख देती हूँ न्यू अभी मैंने मुझे न्यू वर्डप्रेस रखना है, तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन पे जाके रीनेम डेटाबेस, तो यहाँ पे लिख देती हूँ न्यू अंडरस्कोर वर्डप्रेस और फिर यहाँ पे ग्लू पे क्लिक करूंगी। तो मेरा डेटाबेस यहाँ पे चेंज होके आ गया न्यू अंडरस्कोर वर्डप्रेस। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस बना दिया। अब वर्डप्रेस में क्या होता है कि सिर्फ आपको डेटाबेस का नाम क्रिएट करना है कि एक डेटाबेस है उसका यूजर नेम और रूट क्रिएट करना है। तो लोकल उसमें तो वो क्रिएट होता ही है यूजर नेम और पासवर्ड, लेकिन जब आप ऑनलाइन वेबसाइट को होस्ट करेंगे तब आपको डेटाबेस के साथ साथ यूजर नेम और पासवर्ड भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो अभी लोकल उसमें तो वो आता ही है, इसलिए अभी नहीं। जब हम ऑनलाइन होस्ट करेंगे तब मैं बताऊंगी कि ऑनलाइन किस तरह से हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और उसका यूजर नेम और पासवर्ड किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हमने लोकल होस्ट में डेटाबेस बना दिया है। अब यहाँ पे लेट्स गो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेटाबेस का नाम, तो जो हमने डेटाबेस बनाया है न्यू वर्डप्रेस, वो हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यूजर नेम हमारा लोकल होस्ट में तो रूट ही होगा, तो मैं यहाँ पे रूट लिख देती हूँ और पासवर्ड ब्लैंक रहेगा। डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट में हो रहा है। टेबल प्रीफिक्स WP अंडरस्कोर, हम प्रीफिक्स जो हमारे WP वर्डप्रेस के जो डेटाबेस होता है उसमें डिफॉल्ट प्रीफिक्स होता है WP अंडरस्कोर। उसके चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करती। मैं डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक कर देती हूँ और रन द इंस्टॉलेशन। अभी यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल हम वेबसाइट बना रहे हैं, तो यहाँ पे साइट का टाइटल, हमारी वेबसाइट का टाइटल क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ आरजी पटेल और यूजर नेम यहाँ पे लिख देती हूँ RG207 एंड पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर देती हूँ। जो भी पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड बनाते हो आप यहाँ पे किसी भी जगह पे नोट करके रख देना, क्योंकि बार बार आप भूल जाओ तो फिर वहां से आप रिकवर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर देती हूँ। इस पासवर्ड को यहाँ पे लगा दीजिए और यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी लिख देना और यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस। अभी ये इसको आप टिक करना मत, क्योंकि आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो ऐसा तो होगा नहीं कि आप उसके बाद अपने बिजनेस वेबसाइट बनाओगे या फिर ब्लॉग वेबसाइट बनाओगे तो उसका SEO नहीं आएगा।
ऐसे हो तो आपको बाद में करना ही पड़ेगा। तो अगर आप इस पे टिक करते हो तो आपकी वेबसाइट पे एसईओ नहीं लगेगा, और यहाँ पे टिक नहीं करते हो तो आप अपनी वेबसाइट का एसईओ कर सकते हो। इसीलिए इस चेक बॉक्स को आप ब्लैंक ही रखना और इंस्टॉल वर्डप्रेस कर देना यहाँ से। तो अभी इस तरह से आपको वहां पे इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे सीधा डायरेक्ट आपको WP एडमिन लॉगिन पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे आपने जो पासवर्ड और यूजर नेम रखा था वो आप यहाँ पे डाल के सीधा यहाँ से आप अपने एडमिन पैनल पे लॉगिन कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे लॉगिन हो गया, मैं यहाँ पे सेव कर देती हूँ अपना पासवर्ड। अब आपकी वेबसाइट का पूरा एडमिन आपको यहाँ पे मिल गया। कि वेबसाइट का पूरा CMS आप चेंज कर सकते हो, पूरी वेबसाइट आप यहीं से बना सकते हो वर्डप्रेस की। तो ओवरव्यू देख लेते हैं पहले तो एडमिन का, कि हम किस किस चीज का अभी यूज करेंगे। तो पहले तो हम देखेंगे, यहाँ पे आप जाएंगे तो अपनी वेबसाइट यहाँ पे आपको दिखेगा विजिट वेबसाइट, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, यहाँ से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे विजिट वेबसाइट आपको दिखाएगा, वहां पे मैं राइट क्लिक करके अपनी वेबसाइट यहाँ से ओपन कर सकती हूँ। तो अभी इस तरह से मेरी वेबसाइट दिख रही अच्छी नहीं है, लेकिन ये बेसिक वर्डप्रेस है जो इंस्टॉल करने के बाद आपकी वेबसाइट इस तरह से आपको दिखाई देगी। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे पोस्ट, पहला तो पोस्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आपको पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट मतलब कि आपकी वेबसाइट पे जितने भी कंटेंट है, जितने भी कंटेंट अपलोड करना चाहते हो या भी करने वाले हो, वो सब हम पोस्ट में करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पोस्ट को ओपन कर दिया है, वहाँ पे एक पोस्ट ऑलरेडी है हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि वो पोस्ट यहाँ पे है। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई और पोस्ट हमें ऐड करना है, कोई और पोस्ट आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड न्यू पर चले जाना है, और वहां से आप कोई न्यू पोस्ट ऐड कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे PHP वेबसाइट के रिगार्डिंग कोई पोस्ट बनाना चाहती हूँ। अभी मैं यहाँ पे उसका टाइटल और उसका कुछ कंटेंट यहाँ पे ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से पोस्ट न्यू क्रिएट करने के लिए यहाँ से आप कुछ भी इसका साइज, ये हमारा टाइटल है, उसके बाद ये हमारा जो कंटेंट है वो यहाँ से आप उसको बोल्ड करना चाहते हो, या तो फिर इटैलिक करना चाहते हो, या तो फिर अलाइन टेक्स्ट सेंटर करना चाहते हो, राइट करना चाहते हो, या तो लेफ्ट करना चाहते हो। यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस है, इंसर्ट बिफोर आफ्टर कुछ भी, एडिट HTML करना चाहते हो अगर आपको HTML आता है तो, अपने हिसाब से HTML टाइप करके उतने हिसाब से उसमें CSS भी आप लगा सकते हो। इस सेक्शन का डुप्लीकेट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, इसका कॉपी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, तो सारे रिमूव करना चाहते हो तो वो भी यहाँ से कर सकते हो। सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे कंटेंट ऐड कर सकते हो, और फिर यहाँ से पब्लिश बटन है उस पे क्लिक करके आप पब्लिश कर सकते हो। तो अभी पब्लिश कर दिया, अभी हम व्यू पोस्ट करेंगे यहाँ पे, तो आपको दिखाई देगा कि ये हमने पोस्ट जो क्रिएट किया है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे कमेंट सेक्शन भी आ गया कि आप पोस्ट कमेंट भी कर सकते हो। तो अभी आपको दिखाई देगा कि आपने अभी वेबसाइट तो यहाँ पे ओपन कर दी, लेकिन एडिट साइट का ऑप्शन ही है जो यहाँ पे दिख रहा है, वो सिर्फ आपको ही दिखेगा, कोई और ये अपनी वेबसाइट ओपन करेगा तो उसको नहीं दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इस लिंक को कॉपी करके इनकॉग्निटो मोड में यहाँ पे ओपन करती हूँ, तो यहाँ पे देखो मुझे वो ब्लैक पट्टी ऊपर दिख रही थी वो यहाँ पे नहीं दिख रही है, एडिट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, इसीलिए क्योंकि वो आपने यहाँ पे एडमिन पैनल ओपन कर रखा है, इसीलिए आपको ये ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप एडमिन हो तो आप यहाँ से अपनी वेबसाइट के रिगार्डिंग कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो।
लेकिन अगर आप एडमिन पैनल नहीं ओपन करते तो आपको डायरेक्ट ये अपनी वेबसाइट इस तरह से दिखेंगी। तो आप यहाँ से कमेंट भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे कमेंट नेम ईमेल और वेबसाइट करके यहाँ पे पोस्ट कमेंट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कमेंट करते हूँ, यहाँ से आप सेव माई नेम एंड ईमेल एंड वेबसाइट भी कर सकते हो एंड पोस्ट कमेंट यहाँ से कर सकते हो। तो देखो मैंने अभी कमेंट की, यहाँ पे कमेंट आ गई। अभी फिर से मैं यहाँ से कमेंट करना चाहूँ कुछ भी, पोस्ट कमेंट करूंगी तो यहाँ पे आ गया यू आर पोस्टिंग कमेंट्स टू क्विकली स्लो डाउन। इसमें ऐसा है इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वर्डप्रेस में भी थोड़ी बहुत सिक्योरिटी है, जो यहाँ पे क्विकली और कमेंट्स नहीं आने चाहिए और स्पैमिंग नहीं होता, इसीलिए वर्डप्रेस में इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है कि बार बार आप एक ही टाइम पे बार बार कमेंट नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप किसी भी पोस्ट बना के उस पर कमेंट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने जो पोस्ट बना दी है वो हमें यहाँ पे दिख रही है। ओके हम मेन पेज पे चले जाते हैं तो ये हमारा होम पेज है, इस तरह से दिख रहा है। ये हमारा हमने जो पोस्ट बनाई वो यहाँ पे दिख रहा है। दो पोस्ट है, एक हेलो वर्ल्ड की और एक पीएचपी की। तो दो पोस्ट हमें यहाँ पे दिख रही है। हालांकि ये थीम अच्छी नहीं है लेकिन इस तरह से हम अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो था पोस्ट के रिगार्डिंग। अब हम जाएंगे अपीयरेंस पे, क्योंकि हमें थीम ये अच्छी नहीं लग रही है तो हम इस थीम को किस तरह से चेंज कर सकते हैं वो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अपीयरेंस में थीम में जाएंगे। यहाँ पे वर्डप्रेस में नॉर्मली तीन तरह की थीम जो डिफॉल्ट आती है वो यहाँ पे दिखाई देगी आपको, मुझे ये थीम चाहिए ही नहीं तो मैं यहाँ से वो थीम यहाँ भी डिलीट कर देती हूँ। ये वाली थीम है, यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। तो यहाँ से आप थीम चूज कर सकते हो अपीयरेंस में जाके, थीम्स में जाके। ये थीम तो ऑलरेडी है, कोई दूसरी थीम आप चूज करना चाहते हो तो ऐड न्यू में चले जाना और यहाँ पे आपको बहुत सारी वर्डप्रेस की जो फ्री थीम्स होती है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। जो भी पॉपुलर थीम है और फ्री थीम्स होती है वो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे वर्डप्रेस की थीम। तो अपीयरेंस में थीम्स में जाके आप थीम्स सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे हम प्लगइन्स में जाएंगे। तो प्लगइन्स क्या होता है? तो प्लगइन्स हमारी वेबसाइट की खूबी को बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट पेज बनाना है तो उसमें फॉर्म क्रिएट करना है तो वो फॉर्म का जो प्लगइन होता है वो हमें यहाँ से इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब हम हमारे कॉन्टेक्ट पेज में फॉर्म इंस्टॉल कर पाएंगे। किसी भी वेबसाइट में फॉर एग्जाम्पल हमें पेमेंट चेकआउट या तो फिर ई कॉमर्स वेबसाइट होगी तो पेमेंट गेटवे ऐड करना होगा, या तो फिर हम किसी कोई गैलरी पेज बनाया हुआ है वो गैलरी पेज में अगर फोटो है उसको उस पर क्लिक करेंगे तो हमें एक गैलरी का बॉक्स हमें दिखाई देगा, जूम करके गैलरी। तो इस तरह से हम हमारी वेबसाइट इफेक्ट्स डाल सकते हैं, स्लाइडर डाल सकते हैं, पेमेंट गेटवे डाल सकते हैं, वो सब हम प्लगइन्स में आएंगे। तो कौन कौन से प्लगइन्स इंपॉर्टेंट है वो उसके ऊपर हम बाद में जाएंगे। अभी ये दो प्लगइन्स हमें डिफॉल्ट देते हैं वर्डप्रेस वाले, ये दोनों मुझे अभी काम नहीं है इस प्लगइन को, मैं तो मैं इन दोनों प्लगइन को अभी डिलीट कर देती हूँ। तो ये तो हो गया प्लगइन्स, उसके बाद हम आएंगे ये सब हम उसके बाद में देखेंगे। फिर यहाँ पे सेटिंग्स में जाके जनरल में यहाँ पे आप अपने साइट का टाइटल चेंज कर सकते हो, साइट का जो टैगलाइन है। यहाँ पे मैं जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट है उसकी जगह पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बी वॉट एवर यू वॉन्ट एंड एंजॉय योर सेल्फ। यहाँ पे मैं टैगलाइन लिख देती हूँ और यहाँ पे वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल, यहाँ पे आप जो यूआरएल अपनी वेबसाइट का है यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, साइट एड्रेस यूआरएल है वो यहाँ से चेंज कर सकते हो, वो सब यहाँ से आप चेंज करके फिर सेव चेंजेस कर देना। तो ये हो गया आपका वेबसाइट का जनरल सेटिंग्स। यहाँ से आप ईमेल आईडी जो होता है वो भी चेंज कर सकते हो। अभी
हमारी जो वेबसाइट है यहाँ पे दिख रही है वो इतनी अच्छी थीम नहीं है, तो मैं यहाँ से अपनी थीम चेंज कर लेती हूँ, कोई नई थीम यहाँ पे डाल देती हूँ। आप यहाँ से कोई भी थीम चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये वाली थीम लेती हूँ और यहाँ पे इंस्टॉल कर देती हूँ। यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद मैं यहाँ पे एक्टिव कर दूंगी, तो हमारी थीम यहाँ पे एक्टिव हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट को यहाँ से रिफ्रेश करूँगी तो वो थीम के हिसाब से यहाँ पे मेरी वेबसाइट मुझे दिख रही है। लेकिन अभी थीम हमारी ये हो गई। ओके, अभी मैं दूसरी टैब्स यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ। अभी ये हमारी वेबसाइट थोड़ी पहले से थोड़ी अच्छी दिख रही है। यहाँ पे दो ब्लॉग्स हमने जो दो पोस्ट लिखे थे वो यहाँ पे आ गए। अभी जो पोस्ट लिखे थे मैंने ऑल पोस्ट में, ये वाला पोस्ट मैं यहाँ से एडिट करना चाहूँ तो यहाँ से एडिट कर सकती हूँ। और फिर यहाँ पे सेटिंग में जाके यहाँ पे आप देख सकते हो कि पोस्ट की यूआरएल है, यूआरएल्स लगे। यहाँ से आप अपनी पोस्ट की यूआरएल भी चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ बाय जी पटेल। इस तरह से हम अपनी यूआरएल चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ से यहाँ पे कैटेगरीज, आप किसी भी पोस्ट की कैटेगरीज यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो इस पोस्ट की कैटेगरी में फॉर एग्जांपल पीएचपी प्रोग्रामिंग लिखती हूँ। एड न्यू कैटेगरी कर देती हूँ और इसको अनकैटेगराइज्ड में से निकाल देती हूँ और कैटेगरी इसकी पीएचपी प्रोग्रामिंग लिखती हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ टैग्स आप डालना चाहते हो पोस्ट के रिगार्डिंग, तो मैं यहाँ पे रखूँगी पीएचपी प्रोग्रामिंग, पीएचपी कोडिंग, इस तरह से आप टैग्स यहाँ से डाल सकते हो। फीचर इमेज, अगर आप इस पोस्ट की फीचर इमेज रखना चाहते हो तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे से कोई एक इमेज डाउनलोड कर देती हूँ। यहाँ से मैं पिक्सेल्स पे चले जाती हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ प्रोग्रामिंग। तो मैं ये वाली इमेज ले लेती हूँ, फ्री डाउनलोड में चले जाना, यहाँ से आपको वो इमेज मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पे वो इमेज अपलोड करूँगी, सेट फीचर इमेज, अपलोड फाइल्स, यहाँ से मैं वो इमेज ले लेती हूँ। ओके, मैक्सिमम इमेज की साइज़ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी साइज़ की इमेज मत अपलोड करना वरना दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ से मैं और स्मॉल साइज़ की इमेज चूज़ कर लेती हूँ और डाउनलोड कर देती हूँ। बड़ी वाली मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। यहाँ से फाइल चूज करके अपलोड कर दूंगी और इस इमेज की आप हाइट विड्थ वो भी चेंज कर सकते हो करना चाहते हो। तो अभी मैं सेट एज अ फीचर इमेज ले लेती हूँ और यहाँ पे अपडेट कर देती हूँ। अब यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे अपने वेबसाइट, यहाँ पे आप दिखाई देगी कि मैंने जो पोस्ट की इमेज फीचर इमेज लगाई हुई थी वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आप पोस्ट में फीचर इमेज लगा सकते हो। देखो
उस लिंक पे, उस पोस्ट पे मैंने क्लिक किया था, वो फीचर इमेज यहाँ पे बैकग्राउंड में आ गई, और यहाँ पे उसका टाइटल और पब्लिश बाय और डेट, किस डेट पे पब्लिश हुआ वो भी यहाँ पे आ गया, और जो मैंने कंटेंट लिखा था वो भी यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे कोई कमेंट मारना लिखना चाहता हो तो वो भी यहाँ से नीचे से कमेंट कर सकता है। तो इस तरह से हम आप कोई भी नई पोस्ट बना सकते हो। अभी पोस्ट में पोस्ट हो गई, अब यहाँ पे हम पेजेस में जाएंगे। पेजेस मतलब कि आप अपनी वेबसाइट बनाते हो तो बहुत तरह तरह के पेजेस होते हैं, होम पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज, सर्विसेज पेज, गैलरी पेज, ऐसे बहुत सारे पेजेस होते हैं। तो वो आप कहाँ से क्रिएट करेंगे, तो इस पेजेस में जाके आप वो सारे पेज यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। अभी डिफ़ॉल्ट पेजेस है सैम्पल पेज एंड प्राइवेसी पॉलिसी, तो ये दो पेज मैं अभी रखना नहीं चाहती, मैं दोनों को अभी डिलीट करना चाहती हूँ। तो यहाँ से सिलेक्ट करके मूव टू ट्रेस करूँगी और यहाँ पे अप्लाई कर दूँगी, तो यहाँ से वो डिलीट हो गए। अब यहाँ पे मैं न्यू एड न्यू करके पहले तो बनाती हूँ होम पेज, और यहाँ पे कुछ अभी लिखती नहीं हूँ होम पेज में, यहाँ सिर्फ डायरेक्ट पब्लिश कर देती हूँ अभी। फिर यहाँ पे एड न्यू करके दूसरा बनाती हूँ, अबाउट अस पेज, और यहाँ पे कुछ कुछ अबाउट प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ लिख देते हैं। ये मैंने अबाउट अस पेज बना दिया, अभी पब्लिश कर दिया। फिर उसके बाद हम बनाएंगे सर्विसेज पेज, यहाँ पे लिख के यहाँ पे पब्लिश कर दिया। फिर उसके बाद बनाएंगे कॉन्टेक्ट अस पेज, उसमें हम फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ ऐड करना चाहते हो, पैराग्राफ, ग्रुप, इमेज, लिस्ट या टेबल, कॉलम्स, कुछ भी कुछ नया ऐड करना चाहते हो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी कॉन्टेक्ट फॉर्म में तो फॉर्म यहाँ पे नहीं आएगा, तो अभी मैं फॉर्म यहाँ से नहीं ऐड कर सकती, उसके लिए हमें प्लगइन ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपली लिख देती हूँ दिस इज कॉन्टेक्ट पेज, और यहाँ पे अपडेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे वेबसाइट पे रिफ्रेश करूँगी, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि होम पेज कहाँ है, कॉन्टेक्ट पेज कहाँ है, वो सब यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अभी अभी ये मैंने कॉन्टेक्ट पेज यहाँ पे बनाया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ से उसकी यूआरएल पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मुझे दिखाई देगा ये कि ये मेरा कॉन्टेक्ट पेज है, उसकी लिंक ये है। फिर अबाउट अस पेज है, तो मैं यहाँ से व्यू पे राइट क्लिक करूँगी तो यहाँ पे अबाउट अस पेज का मुझे कंटेंट दिखाई देगा। अभी होम पेज करूँगी, सर्विसेज पेज करूँगी, तो वो सारे पेज मुझे यहाँ पे दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन ऊपर हमें मेनू में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम सेटिंग्स में, और हम अपनी वेबसाइट यहाँ पे क्लिक करते हो तो डायरेक्ट पोस्ट खोले जा रहे हैं, क्योंकि हमें पोस्ट नहीं दिखा नहीं, पहले हमें वेबसाइट में, जब भी कोई वेबसाइट पे जाता है तो पहले तो होम पेज दिखता है। तो आप देख रहे हो ये मैंने जो पेजेस बनाया है वो यहाँ से आप डायरेक्ट दिख सकते हैं। यहाँ पे मैं व्यू पर क्लिक करूंगी तो यहाँ से आप डायरेक्ट वो सारे पेजेस यहाँ से आप देख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे मेनू में दिखाई नहीं दे रहा है होम पेज कहाँ पे है, अबाउट पेज कहाँ पे। आप एक मेनू यहाँ पे बनाओगे तो वो पेज पे आप नेविगेट कर पाओगे, मेनू नहीं होगा तो आपको नेविगेट करना, यूजर को नेविगेट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, उसको पता नहीं होगा कि इस पेज की लिंक कौन सी है। आपको तो पता होगा लेकिन यूजर्स को नहीं पता होगा, तो इसीलिए हम मेनू बनाते हैं ताकि यूजर्स उस पेज पे नेविगेट कर पाए आसानी से। तो इस यहाँ पे अपीयरेंस में जाके आप यहाँ पे मेन्यूज पे चले जाना, पहले
पहले तो हम ये देख लेते हैं, मेनू बाद में देखते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं कि यहाँ पे हम जाते हैं वेबसाइट पे, तो होम पेज पे ये ऐसा नहीं दिखना चाहिए। हमारा होम पेज, जो हमने होम पेज बनाया है, वो होना चाहिए डायरेक्ट, ये तो हमने जो पोस्ट डाले हुए है वो यहाँ पे दिख रहे हैं, तो वो मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सेटिंग्स में रीडिंग, जो सेटिंग्स में रीडिंग जो है वहां पे चली जाऊंगी। यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगी, हो यार होम पेज डिस्प्ले, तब किस पेज को अपना होम पेज डिस्प्ले करवाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये स्टेटिक पेज, और होम पेज पे यहाँ पे सिलेक्ट कर देती हूँ मेरा होम पेज और पोस्ट पेज। तो आप पोस्ट में कौन सा पेज करना चाहते हो, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं सर्विसेज में अपना पोस्ट पेज लगा देती हूँ, तो यहाँ पे सर्विसेज लिख दिया। और यहाँ से मैं सेव चेंजेस करूंगी और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगी, तो हमने ये देख लिया कि हमारी वेबसाइट का होम पेज इस तरह से आ गया। अब हमें यहाँ पे मेनू लगवाना है, एड मेनू, तो वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ पे अपीयरेंस में जाके, मेनूज में जाके भी आप वो मेनू ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक मेनू स्ट्रक्चर मेनू नेम एक ऐड कर देती हूँ, मैं उसका नाम लिख देती हूँ मेन मेनू, और उसको मैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड टॉप लेवल ऑफ पेजेस, ले पेजेस के जो टॉप में हेडर में होता है वहां पे ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। प्राइमरी मेनू, फुटर मेनू, टॉप बार मेनू, वो सब में मैं यही मेनू लगवाना चाहती हूँ, तो यहाँ पे क्रिएट मेनू मैंने कर दिया है। अब मेनू में यहाँ पे सारे पेजेस में ऐड करना चाहती हूँ, सर्विसेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, तो वो सारे पेजेस में यहाँ से ऐड टू मेनू के क्लिक करूंगी तो सारे पेजेस यहाँ पे आ गया है। और यहाँ से मैं उसकी प्रायोरिटीज भी चेंज कर सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल होम के बाद मुझे अबाउट अस चाहिए, तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे होम के नीचे अबाउट अस लिख देती हूँ, और यहाँ से कॉन्टेक्ट अस मुझे लास्ट में, अगर सर्विसेज लास्ट में चाहिए या तो फिर कॉन्टेक्ट अस लास्ट में चाहिए। इस तरह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना मेनू की जो प्रायोरिटीज है कि फर्स्ट कौन सा दिखना चाहिए, सेकंड कौन सा दिखना चाहिए, थर्ड कौन सा दिखना चाहिए, वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप करके। तो वो मैंने यहाँ पे कर दिया, अब यहाँ पे सेव मेनू पे क्लिक करूंगी, मैंने सेव कर दिया, अब यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे जाके यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी, तो यहाँ पे हमारा मेनू आ चुका है, होम, अबाउट अस, सर्विसेज एंड कॉन्टेक्ट अस। तो होम पेज हमारा ये रहा, अबाउट अस पे मैं क्लिक करूंगी तो मुझे अबाउट अस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, फिर सर्विसेज पे पेज करूंगी तो यहाँ पे मेरे सारे जो पोस्ट मैंने लिखे हुए थे वो यहाँ पे आ गए। तो इस तरह से सर्विसेज पेज में मैंने, फॉर एग्जाम्पल इसको सर्विसेज नहीं बोलते, यहाँ पे मैं पेजेस में जाके सर्विसेज की जगह पे एडिट कर देती हूँ और यहाँ पे ब्लॉग्स लिख देती हूँ, और उसकी यूआरएल यहाँ पे सर्विसेज है उसकी जगह पे मैं ब्लॉग्स लिख देती हूँ और अपडेट कर देती हूँ। अब यहाँ सर्विसेज पेज पे जाऊंगी और रिफ्रेश करूंगी तो उप्स दैट पेज कांट बी फाउंड, ऐसा मैसेज आपको डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि सर्विसेज पेज को हमने चेंज करके ब्लॉग्स पेज लिख दिया है। तो यहाँ पे सर्विसेज की जगह पे मैं यहाँ पे ब्लॉग्स लिखूंगी और रिफ्रेश करूंगी, यहाँ पे हमारे सारे ब्लॉग्स इस तरह से आए हैं। ब्लॉग्स मतलब आपने जो पोस्ट क्रिएट किए हुए हैं वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाए, तो मैंने ये ब्लॉग्स यहाँ पे आ गए। अब कॉन्टेक्ट अस पेज में जाओगे तो दिस इज कॉन्टेक्ट पेज। तो इस तरह से आप एक सिंपल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो वर्डप्रेस की हेल्प से। अब होम पेज पे चले जाओगे, फिर से यहाँ से चेंज कस्टमाइज करना चाहते हो कोई भी चीज तो यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये टेक्स्ट मैं चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे चेंज इन द कस्टमाइजर लिखा उसकी जगह पे लिखती हूँ बी, व्हाटएवर, यहाँ पे मैंने वो टाइटल चेंज कर दिया। अब यहाँ से टेक्स्ट यहाँ पे जो लिखा है चेंज इन कस्टमाइजर, जो छोटा है फॉन्ट साइज, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, वेलकम,
टू माय वेबसाइट। फिर बॉटम टेक्स्ट जो है टेक्स्ट इन कस्टमाइजर जो बटन है, बटन का टेक्स्ट मैं यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ। एक्सप्लोर मोर, और जो बटन की यूआरएल है वो भी मैं यहाँ से लिख सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे डायरेक्ट ब्लॉग्स पेज पे रिडायरेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे ब्लॉग्स लिख देती हूँ और फिर पब्लिश कर देती हूँ। तभी मैं यहाँ भी अपनी वेबसाइट के होम पेज पे जाऊंगी, जहाँ पे भी व्हाट एवर यू वांट यहाँ पे आ गया वेलकम टू माय वेबसाइट। एक्सप्लोर मोर पे मैं जाऊंगी तो हमारी जो वेबसाइट है उसकी लिंक यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे स्लैश करके ब्लॉग्स पेज पे जाएंगे तो वो लिंक यहाँ पे मैं पब्लिश कर देती हूँ। अब फिर से इस पेज को रिफ्रेश करती हूँ और यहाँ पे एक्सप्लोर मोर पे मैं क्लिक करूंगी तो हमारे ब्लॉग्स पेज पे डायरेक्ट रिडायरेक्ट होके आ जाएगा। इस तरह से कोई भी चीज आप कस्टमाइज करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो, ब्लॉग सेक्शन या यहाँ से ब्लॉग की जगह पे टाइटल चेंज करना चाहते हो। तो यहाँ से टाइटल चेंज कर सकते हो, सब टाइटल चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से सब टाइटल भी चेंज कर सकते हो। नंबर ऑफ आइटम्स आप होम पेज पे कितने पोस्ट आप रखना चाहते हो, यहाँ पे 3 लिखा है लेकिन आपके पोस्ट टोटल 2 ही है तो यहाँ पे 2 ही दिखा रहा है। इस तरह से आप चेंज करके यहाँ से पब्लिश कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है कस्टमाइज में, आप खुद से एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस चीज से क्या होता है। तो यहाँ पे हेडर ऑप्शंस में, नेविगेशन में किस तरह से आपका नेविगेशन दिखना चाहिए, हेडर सेटिंग्स में किस तरह से आपका हेडर दिखना चाहिए, और कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फुटर ऑप्शंस में यहाँ पे लिंक क्रेडिट फुटर, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। ब्लॉग सेटिंग्स में जाके आप किस तरह से आपके ब्लॉग्स दिखाई देंगे, फर्स्ट कौन सा डिस्प्ले ब्लॉग कैटेगरीज, किस तरह से ब्लॉग पोस्ट कंटेंट होना चाहिए, एक्सपर्ट या फिर कंटेंट, लेंथ कितनी है चाहिए होनी चाहिए ब्लॉग की, पोस्ट नेविगेशन नंबर वाइज होना चाहिए कि नहीं, इस तरह से आप अपने ब्लॉग पेज का भी यहाँ से कैटेगरीज में कितनी कैटेगरीज है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है कस्टमाइजर में, आप कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हो अपनी वेबसाइट में। तो इस तरह से आप अपनी पूरी वेबसाइट या फिर ब्लॉग बनाना चाहते हो, बिजनेस वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से बना सकते हो। तो अभी आज के लिए हम इतना ही कवर करते हैं क्योंकि बहुत सारा कवर करेंगे तो एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बाकी का जो भी बेसिक चीज है और बाकी का जो भी हम ब्लॉग बनाएंगे वेबसाइट बनाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।